हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो चुकी है। चाय से ही स्टार्ट करते हैं और आज है चाय के साथ नमकीन, और ये नमकीन जीरा। तो आप लोग भी आइए फटाफट। और फ्रेंड्स, हमारे जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, इंजॉय करिए आके। और आज सिंपल सा ही है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे मतलब चाय नाश्ता वगैरह हो गया था, खाना भी हो गया था। आज शेयर नहीं किया क्योंकि रोज़ वही सब्जी रोटी नहीं दिखाते, अच्छा नहीं लगता बार बार वही दिखाने में। और आज यहाँ पे मेहंदी लग रही है, कल है रक्षाबंधन, 12 तारीख को हमारे यहाँ मनाई गई है। तो हैप्पी के हाथों में मेहंदी लग रही है। देखो आप लोग, हैप्पी के कितने छोटे छोटे से हाथ हैं, तो हैप्पी के हाथों में मेहंदी लग रही है। और फ्रेंड्स, हैप्पी की मेहंदी लगने के बाद ये हमारा हाथ है, ये हमारे हाथों में मेहंदी लग रही है। और मेहंदी लगाने वाली हम बता दें कौन है, तो हमारे मोहल्ले से है, बिटिया लगती है मेरी, तो उसको ही बुलाया था। वो मतलब अभी सीख रही है ज़्यादा अच्छे से, वैसे काफ़ी अच्छी रखी थी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी रख लेती है। और अभी वो सीख भी रही है, तो मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं रख पाती है, बिल्कुल मतलब क्लियर सफाई जैसे आती है तो, बट वैसे बहुत ही अच्छी मुझे लगी थी। तो जैसे अपने लोगों के हाथों में रखवाएंगे तो और अच्छी मतलब धीरे धीरे बन जाएगी, हाथ उसका बैठ जाएगा। तो आप लोग बताना कैसी है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। देखो आप लोग कैसी लग रही है, और मुझे तो ठीक लग रही थी, अच्छी रखती मतलब अच्छी रखी है। और ऐसे ही बच्चे सीखते हैं, तो आप लोग भी बताइए कैसी है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, मैंने सोचा आप मेरा वीडियो बना दो, क्योंकि मैं तो बना नहीं सकती, मेरे हाथों में लगी हुई थी। तो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि मैंने मेहंदी फाइनली लगाई है आज, और रक्षाबंधन है हमारे यहाँ 12 तारीख। हेलो एवरीवन, एसटी मिश्रा पोखरा ब्लॉगर में आपका बहुत बहुत तहे दिल से फ्रेंड्स वेलकम है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं जा रही हूँ पुखराया की मार्केट, मैंने अभी तक राखी नहीं खरीदी है और फाइनली आज जा रहे हैं लेने, क्योंकि हमारे यहाँ पे 12 तारीख को है, 11 को नहीं मनाई गई है। 11 को कोई तिथ लगी थी, तो वो तिथ सही नहीं थी, इसलिए 11 को नहीं 12 को मनाई जा रही है। तो फ्रेंड वैसे मॉर्निंग में 12 तारीख को 8:30 तक है, लेकिन 7:30 तक ना तो कोई आ पाएगा, आने वाला आ भी नहीं पाएगा, जाने वाला जा भी नहीं पाएगा, तो वो सारा दिन ही राखियाँ मनाई जाएंगी। तो हम कल मनाएंगे, हमारा भाई आएगा, तो मैं तो नहीं जाऊंगी। तो फ्रेंड्स उसी काम की वजह से जा रहे थे, तो आप लोग को मैं लेके चलूंगी, कैसी मैं राखियाँ खरीदूंगी वो शेयर करूंगी। और हाथों में लगा ली है मेहंदी, अभी कलर नहीं आया है इसका, अभी छुटाई है बिल्कुल, तो जब कलर आएगा तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसी राखियां खरीदेंगे, तो बने रहिएगा। और किसने आज मनाई, तो जिसने आज मनाई है तो उनको आज के लिए, वैसे वीडियो तो हमारा 12 तारीख को ही जाएगा, तो हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग पे बने रहिए, ब्लॉग को एंड तक देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके थे मार्केट, और आज मुझे जो देखने को मिला मार्केट में, वो मुझे बहुत ही सुकून मिला देख के। मतलब हर, आप लोग देख सकते हो हमारी पुखराया में तिरंगा इस तरीके से लहरा रहे थे, बहुत ही सुख मतलब अच्छा लग रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे 15 अगस्त आज ही मतलब आ गया हो। बहुत से मतलब कम ऐसे ही घर थे जो नहीं लगे थे, बाकी हर जगह झंडे, आप लोग देखिए हर घर में झंडे हमारे लहरा रहे थे। Thank you.
इसके बाद फ्रेंड्स पहुंच गए थे मेहंदी की शॉप पे। तो आप लोग देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी राखी, मेहंदी बोल रही हूँ, राखी, राखी की शॉप पे बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ थी यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हो। सो फ्रेंड्स फाइनली घर आ चुके हैं और वीडियो का एंड भी करना था, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड कर देते हैं। और अभी मुझे खाना भी बनाना है हैप्पी के लिए। मैं 15 अगस्त के लिए काफ़ी चीज़ें लाई थी, कैप लाई थी, गाल में जो स्टिकर लगाए जाते हैं वो लेके आए थे। तो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि 15 अगस्त को हम उसको जब तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, तब आपको हम दिखा देंगे। तो फिर से राखियाँ भी लाए थे, तो राखियाँ भी वैसे ही मतलब कोई ज़्यादा हम रुद्राक्ष वाली राखी हमेशा ही लेते हैं, तो रुद्राक्ष वाली राखी लाए मतलब लेके आए थे। तो देखो आप लोग हमारी हैप्पी की कलाकारी, हैप्पी ने फ्लैग को बना के दीवार पे चिपका दिया है। और आज मैंने मतलब पुखराया में जो जुनून देखा लोगों के अंदर वो देखने लायक था। आप लोग सोचिए मतलब 15 अगस्त की तैयारी इतने जोरों शोरों से हो रही है, वो देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा सच्ची में। और मैंने देखा हर घर में हमारे मतलब पुखराया मार्केट जब हम गए थे तो पूरे पुखराया में मतलब एक दो घर बाकी थे जिसमें अभी नहीं लगे थे, लेकिन मुझे पता है 15 अगस्त तक वो भी घर में झंडा लहराएंगे जरूर। और हर घर में देखने लायक था कि सब मतलब सबके घरों में हमारे ऊपर झंडा लहरा रहा था हवा में, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। जो मतलब अभी से इतना जुनून है लोगों के अंदर 15 अगस्त में क्या होने वाला है वो तो देखने लायक होगा हमारे इंडिया में। तो मैंने भी सोचा है 15 अगस्त को मैं मेरी कोशिश रहेगी, मतलब अगर मेरी उम्मीद मैं यही रखूंगी कि मैं 15 अगस्त को आपको मतलब आपके साथ वीडियो शेयर करूं, लोगों के जुनून का दिखाऊं, लोगों के अंदर कितना मतलब भक्ति है, देशभक्ति के लिए कितनी मतलब वो है, तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो मुझे ये चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा और मेरे भी अंदर थोड़ा सा वो मतलब फील हुआ इंडिया की, हाँ मैं इंडिया से हूँ, मुझे प्राउड हुआ। तो फ्रेंड्स और हम लोग को आगे बढ़ना है, और जो भी हमारे भाई बहन चैनल पे न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को फुल वॉच करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए फ्रेंड्स, और मतलब कुछ नहीं तो लाइक तो ज़रूर कर दिया करो। हम लोग काफ़ी मतलब आप लोग आपने देखा भीड़ भाड़ में इतनी मतलब वीडियो बनाते हैं, लोग हमें देखते हैं और फिर मतलब सोचते तो ज़रूर होंगे मतलब ये वीडियो बना क्यों रही है फालतू में। लेकिन मैं जब वीडियो बना रही थी तो काफ़ी लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन वही है ना जुनून है एक अंदर कुछ कर गुजरने का, तो मैंने मतलब इग्नोर करती हूँ सबको, किसी को नहीं देखती हूँ कौन क्या देख रहा है, कौन मेरे ऊपर क्या हंस रहा है कि हाँ वीडियो बना रही हूँ, मुझे जो काम करना है वो शर्म नहीं करना है, बेशरम होके मुझे वो काम करना है, मतलब जो अच्छे काम है उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। और आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ जो भी हमारी हाउस वाइफ यूट्यूबर हैं, तो प्लीज़ आप लोग से भी मेरा निवेदन है कि शर्म एक तरफ रख दो, और अगर कुछ आगे बढ़ना है, हमें आगे कुछ मतलब करना है तो उसके लिए हमें लोगों को नहीं देखना है, अपने अंदर का जो जुनून है वो हमें दिखाना है सबको। अगर हमें कुछ अपने पैरों खड़े होना है तो हिम्मत रखिए आप लोग, ऐसे मतलब लोगों के चक्कर में मत पड़ना, लोगों को इग्नोर करो, लोग तो ऐसे बोलते हैं और आपको मतलब वो नीचा ही दिखाएंगे। तो मैंने मतलब देखा है लोगों को खुसुर खुसुर करते हुए, देखो देखो मतलब ऐसे धक्का मुक्की, औरतों की ज़्यादा लेडीजों की आदत होती है, लेकिन मैंने देखा उनको आज मार्केट में, तो मुझे तो शर्म है नहीं, मैं तो बेशरम हूँ, लोग कुछ मतलब चाहे कुछ भी कहे मेरे लिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो काम करना है सो करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड भी मुझे करना है, तो 15 अगस्त की तैयारी के लिए आप लोग भी रेडी रहिए। रक्षाबंधन की तैयारी तो हमें कम ही दिख रही थी लोगों के घर में, वैसे रक्षाबंधन भी हर घर में हो रहा है, लेकिन जितना हमें 15 अगस्त का जुनून दिख रहा है उतना बहुत ही मतलब मज़ा आया देख के। तो फ्रेंड्स वीडियो का एंड करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे हमारे भाई बहन जो भी न्यू आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रात हो गई है तो आज गुड नाइट जरूर बोलेंगे, वैसे गुड नाइट नहीं बोल पाती हूँ, और रात के 8:30-9:30 का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, और मैं बैठे बैठे चेयर अपनी हिलाती जा रही हूँ, देखो आप लोग झूला से झूल रही हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। और अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है तभी मेरा इतना बकड़ बकड़ मुँह चल रहा है, नहीं तो रोना आता था, कम बोल पा रही थी। आपने आज जो मतलब वैसे वीडियो तो ये जाएगा, कल कितनी तारीख है हैप्पी, हाँ 12, कल 12 है,
तो ये 12 को जाएगा। 11 वाला जो वीडियो था वो उसमें आवाज़ बहुत ही मुझे बेकार लग रही थी, मुझे भी नहीं अच्छी लग रही थी सुनने में, क्योंकि उस दिन मतलब मेरा जो ये सूजा हुआ मुंह था तो वो मैं बोल नहीं पा रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो अच्छी आवाज़ नहीं आई उसमें, मुझे भी वो वीडियो अच्छा नहीं लगा, मैं दिल से बता रही हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैंने डाल दिया यार, मेरे पास था नहीं तो मैंने सोचा जैसा होगा डाल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो अच्छी ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।